चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। सनराइजर्स टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 145 रन बना सकी थी, जिसके जवाब में सुपर किंग्स ने 19.3 ओवरों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली डेयरडेविल्स ने मुंबई इंडियंस को कम स्कोर पर रोकने के बाद 6 विकेट से जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे मुंबई के शीर्ष क्रम बुरी तरह से लड़खड़ा गया, लेकिन किरोन पोलार्ड की अगुवाई में आखिरी 5 ओवरों में 56 रन बनाने से वो 6 विकेट पर 125 रन तक पहुंच गया। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने दिल्ली डेयरडेविल्स के हाथों 6 विकेट से हार के बाद कहा, बल्लेबाजी हमारे लिए समस्या रही है, हम 126 स्कोर के बारे में नहीं सोच रहे थे, गेंदबाजों को बचाव के लिए आपको अच्छा स्कोर देना होगा, अब भी सुधार की जरूरत है। रिकी पॉन्टिंग आईपीएल के 7वें सत्र के लिए सलाहकार की भूमिका में मुंबई इंडियंस से जुड़ गए हैं। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में एक पॉन्टिंग पिछले साल खिताब जीतने वाले मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे और उन्होंने शुरुआती कुछ मैचों में टीम की कप्तानी भी की थी। पॉन्टिंग यूएई चरण के अंतिम 2 मैचों के लिए टीम के साथ होंगे। किंग्स इलेवन पंजाब के तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने कहा है कि मुझे याद है कि मैं दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ बैठकर आईपीएल की नीलामी देख रहा था। जब इसका अंत हुआ तो मैंने असल में कहा कि हमारी टीम काफी संतुलित और ऑलराउंडर टीम लग रही है। मोहन बागान ने क्रिस्टोफर चिजोबा के 75वें मिनट में किए गए गोल से शिलांग लाजोंग एफसी को 2-1 से हराकर फुटबॉल आई लीग टूर्नामेंट सत्र का अंत जीत से किया। पंकज मौला ने मोहन बागान को 6वें मिनट में बढ़त दिला दी थी, जिससे उन्हें हाफ टाइम तक कायम रखा। भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने लंदन ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाने का जिम्मेदार महेश भूपति को ठहराया। लिएंडर पेस ने कहा कि भूपति की वजह से उनका लंदन ओलंपिक बुरा रहा और देश ने भी मेडल जीतने का मौका गंवा दिया। भूपति के साथ जोड़ी बनाने के बारे में पूछे जाने पर पेस ने कहा, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा ध्यान गैरसिम और 2016 ओलंपिक पर है, मैं नहीं जानता कि महेश कितने समय तक कोर्ट पर रहेगा, मेरा लक्ष्य रियो ओलंपिक में जगह बनाना और पदक जीतना है। गृह मंत्रालय ने खेलों में स्पॉट फिक्सिंग और अवैध सट्टेबाजी को रोकने के लिए बनाए गए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी गृह मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से दी। गृह मंत्रालय ने कहा कि हमने बिल को अपनी मंजूरी के साथ खेल मंत्रालय को भेज दिया है। ड्राफ्ट बिल को विधेयक बनने से पहले कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। विधेयक पर अंतिम फैसला नई सरकार के आने के बाद ही हो सकेगा। बिल में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अधिकतम 5 साल तक का कारावास और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।